कोरोना वायरस के चलते देश भर में लॉकडाउन 3 शुरू हो चुका है। इसमें कुछ रियायतें भी दी गई हैं। इसमें प्रवासी श्रमिकों की घर वापसी हो रही है। इस कार्य में प्रवासी लोगों को घर आने में किसी प्रकार की समस्या ना हो, इसे लेकर नोखा विधायक लगातार प्रयास कर रहे हैं। विधायक प्रवासी श्रमिकों की ओर प्रशासन के बीच कड़ी का कार्य करते नजर आ रहे हैं। हमारे संवाददाता किशोर सिंह बिदावत ने बात की नोखा विधायक से। इसके चलते लॉकडाउन 3 घोषित किया गया है और जिसके तहत कुछ रियायतें भी दी गई है। उन्हीं रियायतों के तहत जो प्रवासी श्रमिक है बाहर फंसे हुए हैं वो अपने गृह क्षेत्र में आ सकते हैं और इसके लिए स्थानीय प्रतिनिधि भी लगातार जनसंपर्क कर रहे हैं और कोशिश में जुटे हुए हैं कि उनके यहाँ से प्रवासी लोग हैं वो बाहर फंसे हुए हैं उनको कोई असुविधा ना हो। इसी कड़ी में नोखा विधायक बिहारी बिश्नोई भी लगातार 12 घंटे 3-3 कॉल सेंटर बना के प्रवासियों की खैर खबर ले रहे हैं और उनके आने जाने की पूरे बंदोबस्त की व्यवस्थाओं को स्वयं देख रहे हैं और इनके हम कॉल सेंटर पे पहुंचे हैं जहां विधायक नोखा विधायक बिहारी जी बिश्नोई से पूछेंगे कि वो कैसे प्रवासी श्रमिकों के लिए व्यवस्था में जुटे हुए हैं। जी विधायक जी, धन्यवाद आदरणीय बंधु। आज लॉकडाउन की वजह से पूरी दुनिया तालाबंदी में है और तीसरे लॉकडाउन की शुरुआत हो चुकी है 17 तारीख तक के लिए और अब वर्तमान में केंद्र और राज्य की सरकारें सभी जरूरी बंदोबस्त करने में लगी हुई है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन सबसे बड़ी समस्या अब जो सरकार के सामने खड़ी है वो प्रवासी बंधुओं को अपने गृह क्षेत्र तक या घर तक लाने की है और उसमें जब राजस्थान सरकार ने रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया शुरू कर दी वो प्रक्रिया अब 16 लाख से ऊपर जा चुकी है संख्या, तो बहुत बड़ी संख्या में राज्य सरकार ने केंद्र से आग्रह किया कि इसकी परमिशन दी जाए, तो केंद्र गृह मंत्रालय ने 29 तारीख को परमिशन दे दी कि संबंधित राज्य सरकारें आपस में बात करें अपने प्रवासी बंधुओं को घर तक पहुँचाएँ। और उसके बाद इस परमिशन के बाद राजस्थान के मुख्यमंत्री जी ने रेल मांगी, रेल दे दी और अब हमारा कहना है कि राज्य सरकार और केंद्र सरकार आपस में फिर समन्वय की बात करते हुए रेलों की संख्या बढ़ाएं क्योंकि लाखों में प्रवासियों की संख्या है। गुजरात में और मध्य महाराष्ट्र में, इन दो प्रदेशों में और फिर तमिलनाडु में हमारे राजस्थानी प्रवासियों की संख्या बहुत ज़्यादा है। मेरे नोखा के 10,000 प्रवासी बंधु दूसरे प्रदेशों में हैं, तो गुजरात में जिस तरह उन्होंने प्रक्रिया का सरलीकरण किया है प्रशासन ने, तो वहाँ से गुजरात में हमारे प्रवासी बंधु हजारों की संख्या में वापस आए हैं। इसी तरह महाराष्ट्र में बड़ी संख्या में हमारे प्रवासी बंधु, और महाराष्ट्र को लेकर सबसे बड़ी समस्या आ रही है, जब से नांदेड़ महाराष्ट्र से कुछ प्रवासी बंधु पंजाब गए और उनमें सैकड़ों लोगों में संक्रमण की स्थिति बनी है, उसके बाद से महाराष्ट्र सरकार ने हेल्थ सर्टिफिकेट मांग रही है और बोसी बंदी से लागू कर दी है। तो राज्य सरकार को हमारी पहली मांग है कि वहाँ की सरकार से बात करते हुए जिन लोगों ने पोर्टल पर महाराष्ट्र से निजी व्हीकल का ऑप्शन भरा है उनको तो तुरंत स्वीकृति उनके फ़ोन पर जारी कर देनी चाहिए। व्हीकल